क्या आपको पता है अगर कोई इंसान आपको गुस्से में कुछ बोल देता है तो आपको इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से गुस्से में, नशे में और नींद में कही गई हर बात सच होती है। क्या आपको पता है 94% लोग अपने क्रश का नाम पासवर्ड में यूज़ करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको दिमाग हिला देने वाली है एंड आपको होगी वाओ। क्या आपको पता है आप जितने ठंडे कमरे में सोएंगे, जितने ठंडे एनवायरनमेंट में सोएंगे, उतना ज़्यादा डरावने सपने आने के चांसेस होते हैं। इसी से जुड़ा एक और फैक्ट, अगर आप छाती पे हाथ रख के सोते हो तो डरावने सपने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है एक गिलास पानी पीने से हमारा दिमाग 14% ज़्यादा चलने लगता है, 14% ज़्यादा चलने लगता है। कैन यू इमेजिन, अगर आपका दिमाग कभी भी बंद हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करो, कुछ समझ ना आए, तो एक गिलास पानी पियो, आप फील करोगे आपका दिमाग ज़्यादा चलने लगेगा। हे गाइस, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, अगर बात करना चाहते हो एंड मोटिवेशनल कंटेंट देखना चाहते हो तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं होते हैं एंड हमें लगता है कि हमें कोई बुला रहा है, हम इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, कोई मुझे बुला नहीं रहा है फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है, एंड हम सोचते हैं यार ये कोई बीमारी तो नहीं। डोंट वरी, चिल, ये ना आपके हेल्दी माइंड की एक निशानी है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और एक रिसर्च भी हुआ था इस पर कि अगर एक इंसान किसी को नहीं भुला पा रहा है, अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है दूसरे को, देन सामने वाला इंसान भी उसको अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। एक फैक्ट है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को घूमने के लिए मनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रश, आपके फ्रेंड्स या कोई स्पेशल वन है जिसको घूमने के लिए मनाना है, अगर आप उसको उसके कंधे पर या बांह पर हाथ रख कर कहते हो, उसको घूमने के लिए ऑफर करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो घूमने के लिए हाँ करते। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये फैक्ट सारे लोग याद रखेंगे। अगर आप ज़्यादा पैर हिलाते हो तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो जाती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसमें ना आपको सुसाइड करने के थॉट्स आते रहेंगे। पाइनएप्पल तो सबने खाया होगा, मुझे पसंद नहीं है, आप लोगों को तो होगा, कितने लोगों को पसंद है कितने लोगों को नहीं, कमेंट करिए जरूर बताना। पाइनएप्पल सबने खाया होगा, लेकिन एक मस्त साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, पाइनएप्पल आपको भी खा सकता है। अगर आप पाइनएप्पल के एक छोटे से टुकड़े को मुंह में लगातार दबाए रहो तो ये आपके मांस को, मतलब आपके मुंह में मांस जो रहता है उसको धीरे धीरे करके खाने लगता है। बेसिकली पाइनएप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा मांस को खा सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे पाइनएप्पल मांस खाता है, मतलब पाइनएप्पल खुद वेज होके नॉनवेज खाता है? नहीं भाई, देखो पाइनएप्पल में एक ऐसा प्रोटीन होता है ना जो आपके मांस को धीरे धीरे करके घटाने लगता है। क्या आपको पता है किसी भी व्यक्ति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसकी आंखों से होता है? अगर आप चाहते हो किसी को इम्प्रेस करना तो सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट बनाओ। सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ये शाइन जाता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं एंड धीरे धीरे चांसेस हैं कि वो प्यार में भी चेंज हो जाए। अगर किसी को कोई इमोशनल बात या आई लव यू वगैरह कुछ कहना हो तो हमेशा बाएं कान में कहो, क्योंकि बाएं कान में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं एंड वहाँ से जब कोई बात जाती है हमारे माइंड तक तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रभाव पड़ता है आपके माइंड पर। ये फैक्ट सुनकर आप हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि 16 साल की उम्र तक 75% लोग ऐसे होते हैं जो ना अपने लाइफ पार्टनर से मिल लेते हैं, मतलब कोइंसिडेंस की वजह से वो कहीं ना कहीं मिलते हैं एंड बाद में उनकी शादी होती है फ्यूचर में। है ना दिमाग घुमाने वाली फैक्ट। बेसिकली इस फैक्ट के हिसाब से अगर आप 16 साल की उम्र के हो तो शायद आप अपनी बीवी से मिल चुके होगे, मतलब जबकि फ्यूचर बीवी होगी आप शायद उससे मिल चुके होगे, एंड अगर आपका जो भी हस्बैंड होगा, अगर आप लड़की हो तो भी आपका हस्बैंड होगा, शायद आप उस उनसे मिल चुके होगे। अब मेरी वाली से मैं मिला हूँ कि नहीं, डाउट है बॉस। वैसे क्या पता मेरी वाली वीडियो देख रही हो, मेरी हो तो कमेंट करो यार। वैसे एक पर्सनल बात पूछूँ, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, अगर आपको पता चल जाए कि ये आपकी फ्यूचर बीवी होने वाली है या ये आपका फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है तो क्या करोगे आप, उसके साथ क्या बातें करोगे, ज़रा कमेंट करके बताना। ये फैक्ट बताऊंगा स्पेशली आशिकों के लिए है, निब्बों के लिए है। अगर आप एक लड़की की आंखों में देखते हो, बॉयज़ अगर आप एक लड़की की आंखों में देखते हो तो आपका दिल
डेढ़ गुना स्पीड से भागने लगता है, धक 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 बुलेट ट्रेन। ये फैक्ट ना भारत देश में रहने वालों की सच्चाई बताएगी। वैसे तो हमारा भारत देश बहुत संस्कारी है, एज यूजुअल वी ऑल नो दैट, लेकिन यहाँ प्यार में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले। यू नो कुछ ऐसे आशिक होते हैं ना, हेलो बेबी मिलने आओ ना, नहीं आओगे, नोस काट लेंगे तुम्हारी वजह से, बताओ काट ले का, काट लेंगे, सच्ची बता रहे काट लेंगे, काट लें, क्या बोल रही हो। अगर कोई निगेटिव कमेंट करता है आप पर या निगेटिव मेमोरीज आप पर हावी होने लगती हैं, देन उसका इफेक्ट घटाने के लिए 7 नए पॉजिटिव कमेंट एंड 7 नए पॉजिटिव मेमोरीज की ज़रूरत होती है। ये एक मस्त साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मुझे इस पर बहुत हंसी आ रही है कि 94% लोग अपने पासवर्ड में अपने क्रश का नाम डालते हैं, मतलब अपने पासवर्ड में अपने क्रश का नाम यूज़ करते हैं, यानी मुन्नी शीला जया रेखा सुषमा, हर एक नाम किसी न किसी का पासवर्ड होगा। अब मुझे लगता है ना बहुत से लोग अपने दोस्त की आईडी हैक करने का ट्राई करेंगे। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप ना सोते सोते मर जाते हो, आई मीन सपना देखते देखते उसमें मर जाते हो, ठीक है, एकदम फिल्मी सीन टाइप, कोई गोली मार रहा है, आप स्लो मोशन में गिर रहे हो, मर जाते हो। अब आप सोचते हो कि भाई मर तो गया ही था, उसके बाद क्या होता है, वो तो थोड़ा दिखा देता, स्वर्ग जाता हूँ कि नरक जाता हूँ, थोड़ा क्यूरियस हो भाई, दिखा देता। लेकिन आपका माइंड नहीं दिखा पाता, पता है क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, दैट्स वाई वो मरने के बाद दिखाता ही नहीं कुछ, आपकी नींद खुल जाती है। क्या आपको एक फैक्ट पता है, जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की को लाइक करता है, उसको देखता है एंड लड़की नोटिस कर लेती है ये चीज़, तो लड़कियों को ना पता चल जाता है कि आप उनको लाइक करते हो। लड़कियों से कुछ नहीं छुपता जनाब, लड़कियों में ना सेंस करने की शक्ति होती है, कौन अच्छा कौन बुरा उनको सब पता होता है, आप लाइक करोगे आप हेट करोगे उनको सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। और एक लड़के होते हैं, लड़की मूडी तो भी लाइक करती है, लड़की ने नहीं देखा तो भी लाइक करती है, लड़की ने थप्पड़ मारा तो भी लाइक करती है, लड़की ने आँख मारा तो भी लाइक करती है, लड़की हर शर्त में लाइक ही करती है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम दिन में लगातार 11 घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लगातार नोटिस करना, लगातार बोल रहा हूँ है ना, लगातार 11 घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो अगले 3 सालों में हमारे मृत्यु की चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। या आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पता है, जो लोग ताना समझने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, लाइक अगर उन पर कोई टॉन्ट मारता है ना जानबूझ के, वो समझ जाते हैं कि टॉन्ट मार रहे हैं, तो वो ना दिमाग पढ़ने में भी एक्सपर्ट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, एंड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एडवाइस चाहिए, मेंटोर की ज़रूरत है, माई टिप्स की कंसल्टेंसी सर्विस यूज़ करें, थोड़ा सा पे करना पड़ेगा लेकिन कॉन्टेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि पर्सनली मैं वहाँ पर आपसे बातचीत करता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। एंड भाई लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है जाओ फॉलो करो, वहाँ पर मैं मोटिवेशनल कंटेंट वगैरह पोस्ट करता हूँ, एंड आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।